अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, फिट है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये है डे वन का पार्ट टू। हम मरी पहुंच चुके हैं और शाम का टाइम है और रात का खाना बन रहा है, और रात के खाने के बाद हमारा इरादा है माल रोड मरी पे जाने का। वैसे तो आज दिल नहीं था कहीं पर जाने का, लेकिन जब माल रोड का नाम आ जाता है तो एक्साइटमेंट अरूज पर पहुंच जाती है दोस्तों। दोस्तों ये अब हम माल रोड मरी की तरफ रवाना हो रहे हैं, और ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी ज़ोर शोर से तैयारियाँ जा रही हैं मरी में आज़ादी मनाने के लिए, और सारे भरपूर अंदाज में इसमें शिरकत कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरी में भी बड़े भरपूर अंदाज में आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों ये है सकरदू के टूर का पार्ट टू, और पार्ट वन देखने के लिए आपको ऊपर दिए गए ऐड कार्ड पर क्लिक करना होगा, तो आप पार्ट वन भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आल के बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। दोस्तों यहाँ पर आप डॉल्फिन पुलिस भी देख सकते हैं, और ये हम पहुँच गए माल रोड मरी पर। और ये जो चौक आप देख रहे हैं इसे जीपीओ चौक कहा जाता है, ये यहाँ का मशहूर चौक है दोस्तों। और ये मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये आगे की तरफ कैंट की तरफ ये रोड जाता है। यहाँ पर काफ़ी होटल्स भी हैं, काफ़ी खाने पीने की जगहें हैं, शॉपिंग्स की यहाँ पर दुकानें भी हैं। और दोस्तों सामने ही आप एक हबीब बैंक देख रहे हैं, जिस पर लिखा है जीना रोड ब्रांच, और ये रोड जा रहा है कैंट की साइड, और यहाँ पर काफ़ी हजूम देखने को मिल रहा है। तो इसी तरफ चलते हैं और आपको मज़ीद यहाँ की चीज़ें दिखाता हूँ, कुछ शॉपिंग्स की दुकानें भी दिखाता हूँ आपको, खाने पीने की जगहें भी दिखाता हूँ, तो मज़ा आने वाला है, साथ रहिएगा मेरे लाजमी दोस्तों। दोस्तों क्योंकि ये वीकेंड चल रहा है तो मरी रोड फुल भरा हुआ है, और फुल रश है यहाँ पर, और फुल माहौल बना हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी सजावट की गई है यहाँ पर। मरी में 14 अगस्त मनाने के लिए काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत दुकान है लेडीज़ की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूट की वैरायटी देखने को मिल रही है, और ये देखें बच्चों के खिलौने भी मिल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर पर्स भी हैं, और लेडीज़ के काफ़ी ज्वेलरी भी है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं आगे मज़ीद हमें देखने कोई शॉपिंग्स की चीज़ें मिलेंगी। और काफ़ी फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पर और बहुत खुश नज़र आ रही हैं, और ये कोई इस्लामिक शहद की दुकान है यहाँ पर। और आगे चलें तो मज़ीद यहाँ छतरियाँ, रंग बिरंगी छतरियाँ, आपको कपड़े, पर्स, आपको लॉन के सूट, जैकेट हैं, सर्दी का सीज़न होता है, आपको पता है यहाँ सर्दी होती है, तो इस हवाले से गर्म सूट भी मिलते हैं, शालें भी मिल जाती हैं। और ये देखें रेडी में लेके जा रहे हैं बच्चों को सैर करा रहे हैं, और ये एक होटल है यहाँ पर मशहूर होटल, और सामने भी एक होटल नज़र आ रहा है आपको, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो यहाँ पर देखें कितना रश है, और इस चौक पर एक खूबसूरत लाइटिंग में अल्लाह लिखा हुआ है, और ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर रात के टाइम में, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। आइए ज़रा आपको चारों तरफ है नज़ारा करा दूँ होटलों का, तो फिर हम आगे की तरफ रवाना होते हैं दोस्तों। और
ये कुछ खूबसूरत से और फुल जगमगाते हुए होटल नज़र आ रहे हैं आपको, और ये गहमा गहमी हर तरफ जहाँ भी देखें आप लोग ही लोग और इन्जॉय करते हुए मज़े लेते हुए, और यहाँ पे टिक्का बोटी बन रही है शानदार किस्म की। तो आए मैं इसको दिखाता हूँ, ये कबाब भी हैं टिक्का बोटी भी है, और यहाँ पे आपको सिज्जी भी मिल जाएगी फुल बकरे की, यहाँ पर सिज्जियाँ ये देखें ये सामने नज़र आ रही हैं आपको, तो यहाँ पर आप ये भी खा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वो सामने आपको हजूम से भरा हुआ कैंट एरिया नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी, यहाँ पर काफ़ी कॉफ़ी शॉप्स भी हैं, आइसक्रीम पार्लर्स भी हैं, यहाँ पर काफ़ी होटल्स हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही है। और यहाँ एक बाज़ार भी है छोटा सा जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, तो वहाँ पर नहीं जा सकते हम, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो अभी मैं यहीं आपको चारों तरफ थोड़ा सा नज़ारा करा रहा था उस जगह का, आगे मज़ीद शॉप्स भी हैं, नीचे उतरने की जगह होती है वहाँ बेसमेंट टाइप की, तो नीचे उतर के जाना पड़ता है वहाँ पर, और काफ़ी शॉप्स हैं सूट गर्म सूट वगैरह आपको जूते वगैरह ज्वेलरी वगैरह पर्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है।